करते। As a believer, you don't have a life of your own. एक विश्वासी होने के नाते आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन नहीं है। That the day you accepted Christ, it's over. और जिस दिन आपने प्रभु को स्वीकार किया, आपका व्यक्तिगत जीवन चला गया। Please listen to this again. आप इस बात को ध्यान रखिए। If you are a believer, अगर आप एक विश्वासी हैं, you don't have a life of your own. आपका जीवन आपका नहीं रहा। You are consecrated to Him. आप उसके प्रति समर्पित हो चुके। What you want, I will do. जो वो चाहता है आपको करना है। Whom you want me to marry, I'll marry. जिससे आप चाहते हैं मैं शादी करूं, मैं उससे करूंगा। What is your plan, I accept. जो भी आपकी योजना है मैं उसे स्वीकार करूंगा। A believer does not have a life of his own. और एक विश्वासी का खुद की योजनाओं से भरा हुआ जीवन नहीं होता। You are a believer. आप एक विश्वासी हैं। You are consecrated to Him. और आप उसके प्रति समर्पित हो चुके हैं। You don't do what you want. और आप वो नहीं करते जो आप चाहते हैं। Your life is for Him. आपका जीवन उसके लिए है। That's what He is looking for. और वही चीज को वो ढूंढ रहा है। See that He can't use selfish people. और वो स्वार्थी लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। Who will just do whatever they want. और वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। And ask the Holy Spirit to follow. और पवित्र आत्मा को कहते हैं कि तू मेरा पीछा कर। He can't use them. और वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। He only uses those who have given their life to Him. और वो सिर्फ केवल उसी का इस्तेमाल कर सकता है जिन्होंने अपना जीवन पूरा उसके प्रति समर्पित कर दिया है। This is what Paul said. और यही पौलुस कहता है। I've been crucified with Christ. कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। I don't live anymore. और मैं अब जीवित न रहा। I live for you. और मसीह मुझ में जीवित है। Your plan I will do. तेरी योजना मैं करूंगा। Your path I will walk. और तेरे ही दिखाए हुए मार्ग पे मैं चलूंगा। I don't have a life of my own. My life is found in Christ. और मेरा खुद का जीवन अब रह ही नहीं गया है, जो भी जीवन है वो मसीह में ही है। Amen. Amen. You don't have a life of your own. और आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन नहीं है। You're a believer. आप एक विश्वासी हैं। You have a covenant with God. आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा है। Your life is dedicated to Him. आपका जीवन उसके प्रति समर्पित कर दिया गया है। You know, I see some people. और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ। Now listen to this and I'll close. और आप इसे सुनिए, फिर हम समाप्त करेंगे। Some people in the world. कुछ लोग इस संसार में। They've given up their privileges. और उन्होंने अपने जो rights हैं, उनको दे दिया है। They've given up their life and they're following a particular cause. और वो लोगों ने अपने जीवन को भी एक ही चीज के पीछे चलने के लिए दे दिया है। Completely dedicated to that. और अपने आप को पूरे तरीके से उसी के लिए दे चुके हैं। We are like that. और हम लोग भी वैसे ही हैं। We don't have a life of our own. और हमारा खुद का जीवन है ही नहीं। We don't.